हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है जगदलपुर का सेकेंड डे और मैं गई थी तीरथगढ़। वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गई थी बिकॉज़ आई हैव लेग इश्यूज़। मेरे घुटने में बहुत प्रॉब्लम है और तीरथगढ़ में बहुत चढ़ना पड़ता है, बहुत मतलब लिटरली पूरा कवर करने के चक्कर में। थोड़ा थोड़ा ही मैंने आपको वीडियो का पोर्शन दिखाया है, बट वो पोर्शन भी रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बहुत नीचे तक जाना पड़ा और उतना ही सीढ़ी चढ़ना पड़ा। सो नाउ मेरे पैर में बहुत इशू है, थोड़ा पेन हो रहा है मेरे लेग्स में, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अब जो है देखती हूँ आगे क्या प्लान बनाती हूँ। सोचा था दंतेश्वरी मंदिर जाऊँगी, बट राइट नाउ इट्स 10 AM, तो अगर अभी निकलूँगी तो समय से तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाऊँगी। और सोलो ट्रिप में क्या होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ का ख्याल रखना ये होता है कि टाइम से पहुँचना जहाँ आप रुके हो। तो बस अभी चलते हैं, यहाँ लोकल आसपास जहाँ भी एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं मैं वो एक्सप्लोर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। चलो चलते हैं, लाइट किया बंद और निकल गए। तो मेन चीज़ क्या है ना, ये जो रिकॉर्डिंग है मेरे फ्रेंड ने की, मुझसे इतना आर्टिस्टिक तो नहीं हुआ जाता, उसका जो कैमरा था वो बहुत अच्छा था, तो उसी ने ये रिकॉर्ड किया। मुझसे तो रिकॉर्डिंग नहीं बनती, और भगवान की दुआ अगर बनी रहेगी और मेरे सब्सक्राइबर जैसे बढ़ते जाएंगे, इनकम आएगी, तो मैं अपने लिए एक अच्छा मोबाइल जल्द से जल्द ले लूँगी, सो दैट मैं आपको एक अच्छा ऐसा वीडियो बना के दे सकूँ। तो बस हम लोग निकल गए हैं। चित्रकूट बहुत सुंदर जगह है, आप लोग कभी जाइएगा वहाँ, रेनबो वाटर स्पोर्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने टाइम वेस्ट किया। और उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने रेस्टोरेंट, ठीक है। तो जो रेस्टोरेंट है ना, वो मुझे इतना क्यूट लगा, इतना क्यूट लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। कोई ऐसा टेबल रखा हुआ है, गद्दे बिछे हुए हैं, आप आइए नीचे बैठिए, एक टेबल पे 6 भी हो सकते हैं, एक टेबल पे 2 भी हो सकते हैं, बस गद्दे बिछने के हिसाब से। और ऐसा लग रहा था ना कि सामने वाले ने कितने कम इन्वेस्टमेंट में किया काम। और ये रहे, मैं मार्केट आ गई थी उसके बाद, वहाँ से रिटर्न आने के बाद 2-3 बजे के आसपास मैं मार्केट आ गई थी। ये सब जो दुकान मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं जब यहाँ पॉली करती थी ना, तब मैं यहाँ पे आती थी, लाइक वो जो भी अपनी मम्मी के लिए चूड़ी वगैरह जो लेती थी इसी दुकान से लेती थी। और कपड़े की दुकान भी मैं गई थी, पर जो वहाँ दादाजी बैठते थे वो ख़त्म हो चुके थे, मैं आई भी बहुत साल थी। तो बस मैंने यहाँ से सब शॉपिंग किया और मैं घर की तरफ निकल ले गई, भाभी के लिए, मम्मी के लिए और अपने लिए मैंने यहाँ से कुर्ती लिया। एंड एक्सपीरियंस आज का भी बहुत अच्छा गया, बहुत घूमी यार, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो गाइस मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैंने पार्सल कराया है डोसा। तो क्या मैं ऐसी खा रही हूँ कि कौन प्लेट मंगाए और कौन क्या करे। तो मार्केट बहुत समय बाद गई थी और मैंने जितनी दुकान दिखाई ना मैं आप सबको, मैं यहाँ पॉलीटेक्निक करती थी तब मैं इन्हीं सब दुकानों में जा करके मैं सब चीज़ें खरीदती थी। तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा करने के लिए मैं उसी जगह दोबारा गई और मुझे जाके बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। मैंने आपसे कहा ना मेरा पैर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं ऐसे कहीं गई नहीं हूँ। शाम को देखते हैं, कहीं जाना हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर रेस्ट करूँगी बिकॉज़ पैर मेरा रियली दुखने लगा है। तो बस मैं नाश्ता करती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स मारती हूँ, चिल मारती हूँ मैं। तो गाइस मैं ले ली हूँ एक बहुत अच्छी नैप, मतलब मैं सो के उठी लिटरली, ये देखिए मैं एकदम सो क्यों रही, मेरे को इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी। और सर बहुत दुख रहा था क्योंकि जो डोसा मैंने खाया था ना उसके अंदर था अनियन, और मैंने सामने वाले को बोला था कि प्लीज़ अनियन मत डालना, एंड स्टिल उसने अनियन डाल दिया। मैं सिर ऐसा दुख रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे मुझे प्याज सूट नहीं करता, स्पेशली कच्चा। पका खा सकती हूँ, कच्चा तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, मुझे सर बहुत दुखने लगता है। तो बस वही खाने के बाद मैं अभी उठी हूँ, ब्रश की हूँ और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है चाय। ये रही मेरी चाय, तो अब मैं चाय पीऊँगी और थोड़ी देर में रेडी होंगी और निकलूँगी शाम को कुछ मंदिर वंदिर वगैरह दर्शन करने के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे थोड़ा सोलो ट्रिप मार के, ऐसा कोई चिंता नहीं किसी चीज़ की, बस इंसान घूम रहा है फिर रहा है। और मैं ना यहाँ से जाने से पहले ना मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से पॉलीटेक्निक किया था, है ना, और वो चीज़ कितनी डेवलप हो गई है, वो भी मैं बहुत शौक हूँ और आपको भी दिखाना चाहती हूँ। जो लोगों के मन में एक लाइक इस तरफ के एरिया को लेकर के थोड़ा डर रहता है ना कि लाइक नेक्स्ट स्लाइड तो नहीं है, ये नहीं है, बहुत सेफ जगह है, बहुत लिटरली। और यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, सही बता रही हूँ, बहुत प्यारे हैं। मैं निकल रही हूँ मंदिर क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मंदिर है, वहाँ के दर्शन करूँगी। और जो भी ख़रीदना था मैं खरीद चुकी, और ये टी शर्ट मैंने आज ही खरीदी और आज ही पहन ली, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। सो कम्फी, देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा मिरर नहीं है कि, तो सॉरी बड़ा मिरर नहीं है जिससे मैं आपको दिखा सकूँ। तो बस चलिए अब चलते हैं मंदिर। दर्शन करने के बाद मैं निकल गई हूँ A to Z के लिए, और ये देखिए मैं प्रसाद दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने बताया ना मैं जहाँ जा रही थी मैं वो सब चीज़ दोबारा जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए A to Z,
लेकिन एक चीज़ बताऊँ, ए टू जेड में ना वो बात तो नहीं रह गई गाइस जो पहले थी। चित्रकूट वाटरफॉल कवर हो चुका है, वहाँ मैं जा चुकी, लाइक वीडियो मैंने बनाई थी, थोड़ा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई। मैंने मेरे फ्रेंड से कहा था उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो जैसा बोला था उसने अलग ही कर दिया, उसने मुझे वर्टिकल में चाहिए था उसने हॉरिजॉन्टल में कर दिया आई थिंक सो। तो अब पता नहीं उसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, लेकिन एक वीडियो उसने बहुत अच्छी रिकॉर्ड की, एक वीडियो उसने बिगाड़ दी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों को अटैच करके लगा दूंगी, जैसा है वैसे आप लोग देख लीजिएगा। तो आज चित्रकूट भी हो गया और लोकल मार्केट भी मैंने घूम लिया, मंदिर के दर्शन भी कर लिए, और बहुत सारे मंदिर में मैं गई थी, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। जैसे आप देखोगे एक मंदिर में मैं सीढ़ी चढ़ी हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको एक झलक दिखाया और फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि सामने लिखा था मंदिर में मोबाइल या रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, तो मैंने उसके डर से बंद कर दिया कि कोई आके फालतू का आपका इंसल्ट करे तो वो अच्छा नहीं लगता है। और बहुत से यहाँ पे गणपति मंदिर है, पूरे ब्लैक कलर के हैं, और क्या बोलते हैं वो भी बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन वहाँ तो एंट्रेंस से ही मोबाइल इज़ नॉट अलाउड। तो बहुत सी जगह मैं गई थी और लेकिन वहाँ पे मोबाइल ना अलाउ होने की वजह से मैं आप लोगों को कुछ मंदिर की अच्छी चीज़ें नहीं दिखा पाई हूँ। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ कल। और जो कपड़े रहते हैं आके पीछे करके मैं पहनती हूँ ज़्यादा ऑप्शंस, लेकिन ये तो रिपीट रिपीट होंगे तो बोलिएगा बिल्कुल भी नहीं। और स्टार्टिंग में मैंने कुछ और पहना था, फिर मैंने चेंज कर दिया बिकॉज यहाँ गर्मी बहुत थी और पूरा स्किन जल जाता, तो इसीलिए। और अकेले ट्रैवल करने के लिए वो कपड़ा भी ठीक मुझे नहीं लग रहा था। तो या मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत थक गई हूँ, नींद आ रहा है, तब तक के लिए बाय।